हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुलिमिनी सेंस पर एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स की। तो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स का ये जो टॉपिक मैंने उठाया है, ये हम आज कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये आपकी कुलॉजी और आपकी मेडिकम दोनों में ही आपके काम आ जाएगा। तो कोशिश रहेगी कि दोनों को ही कलेक्टिवली कंप्लीट करते हुए चलूं। क्यों ऐसा कर रही हूं मैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स नजदीक है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हमें जल्दी से समझ में आ जाए, तो इसलिए मैं ये एक ही बार में पूरा खत्म कर दूंगी। तो आपकी तैयारी कोलॉजी की भी हो जाएगी और मेडिकैम की भी हो जाएगी। तो चलिए बाकी सारी कहानी को परे रखते हुए शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सिडेटिव्स क्या होते हैं। तो सेडेटिव्स जो होते हैं वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं लेवल ऑफ एक्साइटमेंट। मतलब क्या है, अगर कोई पेशेंट ओवर एक्साइटेड है और आप चाहते हैं, या उसको वो बहुत बेचैन है किसी कारण से, तो उसमें उस एक्साइटमेंट लेवल को डिक्रीज करना है, उसकी रिस्पॉन्सिवनेस घटानी है, तो हम सेडेटिव्स देते हैं। सेडेटिव्स की खासियत क्या है? दीज आर द ड्रग्स विच रिड्यूस लेवल ऑफ एक्साइटमेंट विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। मतलब इनका काम है सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ एक्साइटमेंट को कम करना, सुलाने का काम नहीं है इनका, स्लीप इंड्यूस नहीं करते हैं ये, ठीक है? सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस घटाते हैं। इसके अलावा जो आपकी मोटर एक्टिविटी है, आइडिएशन है, उसको कम करते हैं। दूसरे होते हैं हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स वो ड्रग्स होती हैं विच इंड्यूस एंड मेंटेन द स्लीप। इनका काम होता है स्लीप इंड्यूस कराना और उसको मेंटेन करवाना, ठीक है? तो इस तरीके से दोनों की डेफिनेशन हो गई और आपको क्लियरली इन दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया। ये स्लीप को इंड्यूस कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस का कारण है, ठीक है? ये हो गई कहानी की डेफिनेशन की। अब हम समझते हैं, ये बात हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में काफी सारी क्लासेस हैं। मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ पे सभी क्लासेस को इंक्लूड करूं ताकि कोई भी क्लास छूट ना जाए और आपको सभी क्लास याद हो जाए, ठीक है? तो मैं यहां से शुरुआत कर रही हूँ आपको बताना। सबसे पहली क्लास, पहले हम सेगमेंट्स बना लेते हैं क्योंकि अक्सर सेगमेंट्स नहीं बन पाते हमारे। तो जो हमारी सबसे पहली क्लास है वो है सबसे इंपॉर्टेंट क्लास, जिसको हम कहते हैं बारबिट्यूरेट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो है बेंजो डायाजिपीन्स। बेंजो डायाजिपीन्स नेक्स्ट है नॉन बेंजो डायाजिपीन। नॉन बेंजो डायाजिपीन उसके बाद अगली है। अब यहां पर कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो कम ही इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? तो बाकी वो तीन ऐसी आ जाएंगी जो हिस्टोरिकल यूज हो, मतलब पहले यूज होती थी हिस्टोरिकली, और या फिर जो कम ही इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक्स। और इसके अलावा हम ले सकते हैं जैसे कि एल्डिहाइड्स, और अगला जो है वो है मेलेटोनिन, अगर मैं यहां लिख पाई तो बहुत अच्छी बात है। मिले टोनिन अगोनिस्ट, ठीक। ये इतनी जो है ड्रग्स हैं जो इस क्लास में आ रही है, मतलब क्लासेस हैं। अब हम इनके ड्रग्स लिखते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है इनके अंदर आती है। सबसे पहली है बारबिट्यूरेट्स। जो बारबिट्यूरेट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, मतलब कि लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इस टाइप से होते हैं। अब सबसे पहला है बारबिट्यूरेट्स। अभी सिंपली हम एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं, इनका जो सब डिविजन है वो आप आगे देखेंगे। तो जैसे कि बारबिट्यूरेट्स में आ गया, कॉमन से स्ट्रक्चर लेते हैं जैसे कि फिनो बारबिटोन। फिनो बारबी टोन या ब्यूटा बारबिटोन, या फिर आप ले सकते हैं पेंटो बारबिटोन,
तो ये इस तरीके के जो स्ट्रक्चर जिनके नाम में बारबिटोन बारबिटोन आ रहा है वो बारबिट्यूरेट्स में। बेंजोडाइजेपिन्स में जैसे कि आपका आ गया डाइएजेपाम, लोराजेपाम, क्लोनाजेपाम, जिसमें जिपाम जिपाम आया। नेक्स्ट आते हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन्स, इसमें आ जाता है जोपिक्लोन। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो में, जोलपीडेम, और इसके अलावा एक और लिख सकते हैं हम, वो है जेलिप्लोन। ठीक, ये जो ड्रग्स है वो इस क्लास में आती है। अब ये जो कम यूज होने वाली क्लासेस जो है उनमें कौन कौन से आते हैं हम वो देख लेते हैं। एंटी हिस्टामिनिक्स में जैसे कि आ गया, बहुत कॉमन है आपको पता ही होगा, डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामीन जो बहुत ही कॉमन एंटी हिस्टामिनिक है, कफ सिरप्स में इस्तेमाल होती है और उसे पीकर बहुत नींद आती है। नेक्स्ट है आपका डॉक्सीपीन, डॉक्सीपीन भी इसी क्लास में है। नेक्स्ट है एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स में सबसे सीधा सरल एग्जाम्पल है पैराल्डिहाइड। पैराल्डिहाइड इस्तेमाल हुआ करता था पहले एज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, अब वो इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि उससे बेटर ऑप्शंस आपके पास ये सभी अवेलेबल है। और लास्ट है आपका मेलाटोनिन एगोनिस्ट, मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के अंदर क्या आ जाएगा, रेमेल्टियोन। ये इतनी ड्रग्स जो है आपको इसके अंदर पढ़नी है। अब क्योंकि मेजर क्लासेस हमारी ये वाली है फर्स्ट, कौन कौन सी, बारबिट्यूरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स, तो हम पहले उन्हीं को डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी आगे बाद में पढ़ेंगे। तो अब हम जानेंगे थोड़ा सा बारबिट्यूरेट्स के बारे में, बारबिट्यूरेट्स क्या होते हैं और बारबिट्यूरेट्स कैसे बनते हैं, ये सारी कहानी हम जानेंगे। तो सबसे पहले बारबिट्यूरेट्स क्या है, सिंपली बारबिट्यूरेट्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड। बारबिट्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है ये। बारबिट्यूरिक एसिड कैसे बनता है, एक यूरिया का मॉलिक्यूल उसके साथ एक मेलोनिक एसिड का मॉलिक्यूल जब आप रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से 2H2O रिमूव होगा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से जुड़कर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेगा। इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे बारबिट्यूरिक एसिड। ये जो बारबिट्यूरिक एसिड है इसकी नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, इस तरीके से इसकी नंबरिंग हमेशा चलेगी। अब दूसरी बात क्या आती है कि बारबिट्यूरिक एसिड जो है ना उसकी खुद की कोई CNS पे इफेक्ट नहीं होता, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ CNS एक्टिविटी, ठीक है, इसकी अपनी कोई, बारबिट्यूरिक एसिड की अपनी कोई एक्टिविटी नहीं होती है CNS पर, बट इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं बारबिट्यूरेट्स वो CNS को डिप्रेस करने का काम करते हैं। अब सवाल ये है कि बारबिट्यूरिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं वो किस तरीके से CNS को डिप्रेस करेंगे, तो ये हम समझेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में होता क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए जो साइट ऑफ एक्शन है, जो टारगेट है वो क्या है, यहाँ पर आपको क्या चाहिए, बॉडी में ओवर एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा हुआ है। अब आप क्या चाहते हो कि एक्साइटमेंट का लेवल घट जाए, एक्साइटमेंट का लेवल घटाने के लिए क्या क्या दिमाग लगा सकते हैं, क्या क्या अप्रोच लगा सकते हो आप एक्साइटमेंट को कम करने के लिए। सबसे पहले तो आपको एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो आयन्स हैं उनको कम करना होगा। अब एक्साइटमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल आयन्स होते हैं, जैसे कि आगे मैसेज नर्व्स में आगे मैसेज कन्वे करने के लिए सोडियम और कैल्शियम कंट्रैक्शन के लिए। अगर ये दोनों से आपका काम नहीं बन रहा है इनको ब्लॉक करने से, तीसरी चीज आप कर सकते हैं क्या, क्लोराइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन अगर आपको याद होगा तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि क्लोराइड जो है वो हाइपर पोलराइजेशन करवाता है। हाइपर पोलराइजेशन मतलब क्या, रेस्टिंग स्टेट में जो आपकी सेल्स हैं उनके अंदर की तरफ इनसाइड द सेल कौन सा चार्ज होता है ज्यादा, नेगेटिवली चार्ज होता है, अब बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो क्या होता है अगर हम इसी नेगेटिव चार्ज को और इंक्रीज कर दें तो सेल जो है वो हो जाएगी हाइपर पोलराइज्ड और उसमें जो आगे मैसेज है वो कन्वे नहीं होगा, और या फिर किसी भी तरीके से आपको जो कामनेस है वो मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी जो है रेस्टिंग स्टेट में चलेगी, ठीक है। तो
हमको इस कैटेगरी में क्या करना है, इस क्लोराइड को ही टारगेट करना है। हम क्या करेंगे, क्लोराइड का इंट्रेंसिक मूवमेंट बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल जो हाइपर पोलराइज हो जाएगी, मैसेज आगे कन्वे नहीं होगा, और मैसेज के आगे कन्वे ना होने के कारण क्या होगा कि रिलैक्सेशन आ जाएगा बॉडी में। ठीक है, वही हमको अचीव करना था। अब ये चीज कैसे अचीव होगी कि क्लोराइड का जो इंट्रेंसिक मूवमेंट है वो कैसे बढ़ाया जाए, सिंपल सी बात है, क्लोराइड के जो चैनल्स होंगे उनको ओपन कर दीजिए, तो क्लोराइड ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर जा सकेगा। अब क्लोराइड के चैनल्स कौन होते हैं, गाबा। गाबा क्या है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, ये एक तरीके का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये आपके बॉडी में बैलेंसिंग बना के रखता है इनहिबिशन और एक्साइटेशन के बीच की। तो अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर आप इसे या इसके जैसे किसी को इसके रिसेप्टर्स पे बाइंड कराएंगे तो ये क्या करेगा, क्लोराइड का मूवमेंट बढ़ाएगा। गाबा के दो रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा ए और गाबा बी। जो गाबा ए है वो एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है जो कि क्लोराइड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा होता है एक जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस वाले गाबा ए की बात कर रहे हैं। अब गाबा ए में क्या होगा कि जो भी आपकी ड्रग होगी वो क्या करेगी, जाके बाइंड होगी गाबा रिसेप्टर पर। कौन से गाबा पर, गाबा ए पर। अब पहले गाबा ए के बारे में जान लेते हैं। गाबा ए रिसेप्टर जो होता है वो एक लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, मतलब इस पर लिगेंड यानी कि ड्रग जब बाइंड होगी तो ये किसी आयन के मूवमेंट को या तो इंट्रिंसिक करेगा या तो एक्सट्रिंसिक करेगा। तो यहां पर ये क्या करता है, क्लोराइड के इंट्रिंसिक मूवमेंट को इंक्रीज करता है। अब सवाल ये है कि ये किस टाइप का होता है, किस शेप का होता है। तो ये जो है रोजेट टाइप की शेप का होता है, जैसा कि आपको दिख रही है, पांच पेटल टाइप की होती है। पहले ये बंद रहेगा लेकिन जैसे ही इसका लिगेंड इस पे जाकर बाइंड होगा तो ये खुल जाएगा। अब लिगेंड कौन है, कहाँ बाइंड होगा, तो जो रिसेप्टर है उस पे पांच सब यूनिट्स होती हैं, जैसे कि गाबा, अल्फा, बीटा, अल्फा डैश, बीटा डैश, इस तरीके से इस पर सब यूनिट्स होती हैं। तो जो आपकी ड्रग है वो अपने स्पेसिफाइड यूनिट पर आकर अटैच होती है, और जैसे ही बारबिट्यूरेट, सपोज ये हमारे बारबिट्यूरेट्स हैं, ये आके अटैच हो गए, ठीक। तो जब बारबिट्यूरेट्स अटैच हो जाएंगे इस रिसेप्टर पे तो ये रिसेप्टर जो बंद था वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से क्या होगा, जो बाहर क्लोराइड घूम रहे थे अब वो यही क्लोराइड क्या करेंगे, इसके अंदर आ जाएंगे, और सेल के अंदर हो जाने के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं रिलैक्सेशन। अब एक प्राइमरी एक्शन तो हमें समझ में आ गया कि बारबिट्यूरेट्स क्या करते हैं। बारबिट्यूरेट्स टारगेट करते हैं क्लोराइड चैनल्स को, क्लोराइड की इंट्रिंसिक मूवमेंट को इंक्रीज करके हाइपर पोलराइजेशन कराते हैं, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन होता है। बट रिलैक्सेशन कराने का एक और तरीका है, क्यों ना आप ऐसे आयन्स को ब्लॉक कर दीजिए जो कि एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि कैल्शियम आयन, है ना। तो अगर आप क्या करें कि कैल्शियम आयन का, सपोज ये कोई कैल्शियम का चैनल है, ये ओपन है, ठीक, जिस वजह से क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम ईसीएफ में प्रेजेंट है वो आईसीएफ में जा रहा है। तो ये कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एक्साइटेशन के लिए। अगर मान लीजिए कि हम ऐसा कुछ अप्रोच लगाएं कि इसके इन चैनल्स को ब्लॉक कर दें, ठीक, ये इस तरीके से हमने इनको क्या कर दिया, गेट्स को क्लोज कर दिया, तो इस वजह से क्या हुआ, जो आपका कैल्शियम है वो अंदर ही नहीं जा पाया, और जब वो अंदर नहीं जा पाया तो उसने कोई एक्साइटमेंट कॉज नहीं करवाया, ठीक है, इजी है ना ये। तो अब सवाल ये है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आपने इसको ब्लॉक कर दिया। तो क्योंकि हम जानते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा आपको पता होगा कि ग्लूटामेट नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि एक्साइटेटरी नेचर का होता है। जैसे कि अभी हमने गाबा पढ़ा था ना, तो गाबा इनहिबिटरी नेचर का था, ये कैसे नेचर का है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ये।
और इसका काम क्या होता है, एक्साइटेशन कॉज कराना। क्यों कॉज कराना? क्योंकि ये कैल्शियम के इंट्रिंसिक मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है या इंक्रीज करता है, उसी के लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे जो बारबिट्यूरेट्स होते हैं वो ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, ये इनका सेकेंड रिएक्शन है। इनको ब्लॉक करके क्या करते हैं, कैल्शियम के इंट्रिंसिक मूवमेंट को घटा देते हैं, जिसकी वजह से जो एक्साइटेशन थोड़ा बहुत भी हो रहा होता है तो वो नहीं होता। ठीक, अब अगली कहानी है इसकी थोड़ी सी केमिस्ट्री। अब हम आगे बात करेंगे बारबिट्यूरेट से क्लासिफिकेशन की। तो बारबिट्यूरेट्स क्लासिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि कितनी देर तक वो आपके बॉडी में इफेक्ट कर रहे हैं। उस बेस पर पहली क्लास होती है लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स। लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स जो होते हैं उसके अंदर आ जाती है आपकी फिनोबारबिटोन और मीफोबारबिटोन। फिर नेक्स्ट है इंटरमीडिएट एक्टिंग में आते हैं एमोबारबिटल, ब्यूटाबारबिटल। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स, इसमें आ जाएगा हेक्साबारबिटल, साइक्लोबारबिटल, पेंटोबारबिटल। और जो लास्ट क्लास होती है, लास्ट क्लास में क्या आ जाएगा, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आ जाएगा मीथोहेक्साटल सोडियम और थायोपेंटोन सोडियम। तो ये इतनी जो है हमें ड्रग्स इसके अंदर पढ़नी है। अब साथ ही साथ मैं यही इनका स्ट्रक्चर बना के समझा दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब क्योंकि हम मेडिसिनल केमिस्ट्री और कोलॉजी दोनों साथ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सब चीजें क्लियर करती चलूँ, एसएआर भी। पर इस क्लास का एसएआर मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बनाकर डाला था, तो जिनको भी अगर एसएआर पढ़ना है तो वो चाहे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे क्लिक कीजिएगा और सीधा आपको मिलेगा जो भी आपका एसएआर है बारबिट्यूरेट्स का। ठीक, तो अब मैं पहले बना लेती हूँ बेसिक स्ट्रक्चर बारबिट्यूरेट्स का। देखिए कुछ ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब यहां पर कोई सब्सिट्यूएंट हो सकता है, तो देख लेते हैं कहाँ क्या सब्सिट्यूएंट जुड़ रहा है। पहली ड्रग है फिनोबारबिटल। फिनोबारबिटल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, अब थोड़ा सा कलर पेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फिनोबारबिटल में सब कुछ सेम रहेगा, ऐसा ही जो बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ आपका एक एडिशनल क्या लगेगा यहाँ पर, यहाँ इस तरीके से इथाइल ग्रुप, यहाँ सी एच टू है, सी एच थ्री है। ठीक है, ये पता होता है सबको। और दूसरा यहाँ पर लग जाए क्योंकि फिनो यानी फिनाइल। लीजिए ये क्या बन गया आपका, फिनोबारबिटल। अब मेरी बात मानिए, आगे जितने भी स्ट्रक्चर्स है ना, वो अगर वो पढ़ने हैं तो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया अपना फिनोबारबिटल। फिनोबारबिटल के बाद जो दूसरी ड्रग है वो क्या है, मीफो बारबिटल। अब मीफो बारबिटल कैसे बनाएंगे, नाम से समझ में आ रहा है मीफो यानी मिथाइल, तो कहीं तो मिथाइल लगेगा, तो क्यों ना हम यहां मिथाइल लगा दे। तो इस ड्रग में हो जाएगा सी एच थ्री यहां पर मिथाइल, और आगे क्या है, मीफो बारबिटल है ना, मीफो यानी मिथाइल फिनाइल, तो मिथाइल ये हो गया, फिनाइल ये है ही, तो ये क्या हो गया आपका, मीफो बारबिटल हो गया। अगली ड्रग बनाते हैं हम जो कि है एमओ बारबिटल। एमओ बारबिटल भी काफी इजी है। अब यहां से मिथाइल ग्रुप हट जाएगा, ज्यादातर जगह मिथाइल ग्रुप का काम नहीं है, वो सिंपली एच ही रहेगा इस जगह पर, ये लीजिए। अब अगला है एमओ बारबिटल। एमओ बारबिटल कैसे बनता है, ये इथाइल ग्रुप अपनी जगह पर है, फिनाइल यहां से हट जाएगा, फिनाइल की जगह क्या लग रहा है, ये ग्रुप। ये जो इस तरीके का पूरा कंपाउंड बना है इसको हम कहते हैं एमओ बारबिटल। अगला स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके का रहेगा, इसे हम कहेंगे ब्यूटा बारबिटल। क्यों कह रहे हैं ब्यूटा बारबिटल, क्योंकि 1 2 3 4 फोर कार्बन की चेन यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो हम इसको ब्यूटा बारबिटल कह सकते हैं। अगला होगा हेक्सा बारबिटल। हेक्सा बारबिटल में थोड़ा सा ध्यान रखने लायक है कि सब कुछ चेंज होने वाला है। अब देखें कैसे सब कुछ चेंज हो रहा है, ये जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ये पूरा ही हट गया, इसकी जगह क्या जुड़ेगा, यहां एक मिथाइल, और यहां पर क्योंकि आपने कहा हेक्सा यानी कुछ रिंग जुड़ेगी 6 कार्बन की, तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन।
और इसके साथ में यहाँ इस एच की जगह पर होता है CH3। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये है आपके हेक्साबॉर्बिटल का। नाम नहीं लिख रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसी मतलब मुझे ऐसी गट फीलिंग मेरी कहती है, या मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोग अपने कॉपी पेन लेकर ही लिख रहे होंगे। अब अगला है पेंटोबार्बिटल। पेंटोबार्बिटल भी सेम किसके जैसा, ब्यूटाबार्बिटल जैसा दिखते कैसे। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया पेंटाबार्बिटल का। पेंटोबार्बिटल में क्या होता है, वन सॉरी यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, पांच कार्बन की चेन है इसलिए पेंटोबार्बिटल। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट होता है साइक्लोबार्बिटल। साइक्लोबार्बिटल में सिंपली क्या होता है, ये जो पूरा पांच कार्बन का स्ट्रक्चर है वो यहां से एक रिंग फॉर्म कर लेता है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लोबार्बिटल। अब अगला होता है किस क्लास से, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग क्लास से, मीथो एक्सेटल और थायोपेंटल। अब हम सबसे पहले बना लेते हैं थायोपेंटल। तो ये थायोपेंटन का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर नीचे वाली चेन्स है वो तो पेंटोबार्बिटल जैसी ही है, लेकिन जो दूसरा है ऊपर वाली जो रिएक्शन, अगर आपको शायद दिखाई दे रही होगी, जो ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ ऑक्सीजन होती थी, वहां पर क्या है, अब सल्फर आ गया है। वो सल्फर भी कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, उसको आपने बैलेंस कैसे कराया, सोडियम से, इसलिए आपकी ड्रग का नाम है थायोपेंटल सोडियम। इसी तरह एक और ड्रग है मीथोहेक्सेटल सोडियम, देखते हैं। मीथोहेक्सेटल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि इसमें ऊपर की तरफ कैल्शियम जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिवली चार्ज है, उसको बैलेंस किया है सोडियम ने। फिर नेक्स्ट हम नीचे की तरफ ब्रांचेस देखें तो कुछ इस तरीके की ब्रांचेस है, इनसे बना है मीथोहेक्सेटल सोडियम। ये 6 कार्बन के चेन है तो हेक्सेटल और मिथाइल, हाँ मिथाइल ग्रुप तो मैं लगाना ही भूल गई, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। ठीक, तो ये बन गया आपका मीथोहेक्सेटल। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैंने एक टफ टॉपिक में से केमिस्ट्री तो आपको करवा ही दी। अब आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें कि अगर मैं बात करूँ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स की, तो भाई हम जानते हैं कोई भी ड्रग आप ले रहे हैं तो बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पर कुछ तो इफेक्ट होगा उसका। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CNS पे, क्योंकि CNS पर ही एक्ट करने वाली ड्रग्स हैं। तो इनिशियल डोजेस पे अगर लोग कम डोज देते हैं तो सिंपली सेडेशन होगा, जो कि आपको चाहिए। अगर इसका डोज आप बढ़ा दें तो स्लीप, नींद आ जाएगी। अगर और डोज आप बढ़ा दें तो हो जाएगा एनेस्थीसिया, लॉस ऑफ सेंसेशन, और अगर ये डोज ज्यादा बढ़ गया तो पेशेंट आपका कोमा में भी जा सकता है। ठीक, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन, तो नॉर्मल डोजेस पर तो नहीं, लेकिन अगर हाई डोज दिए जाए तो ये रेस्पिरेशन को डिप्रेस कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑन हाई डोजेस दीज आर, या फिर लिख सकते दीज कॉज डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट CVS की, तो CVS में क्या होता है, ये थोड़ा सा बीपी को कम कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह रिलैक्सेशन कर रहे हैं तो बीपी को ये थोड़ी थोड़ा सा कम कर देंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स पर क्या है, थोड़ा कम इफेक्ट है, बट हाँ इफेक्ट है। क्या होगा इस पे, इसकी जो एक्साइटेबिलिटी है NMJ की, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, वो कम हो जाएगी। स्केलेटल मसल्स पे क्या हुआ, डिप्रेस हो गई आपकी एक्साइटेबिलिटी। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन शॉर्ट में लिख रहे हैं, आई होप आपको समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स में तो हम जानते ही हैं क्या होगा, स्मूथ मसल्स में जो एक्टिविटी है या जो जो भी उनका कॉन्ट्रैक्शन मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर क्या होगा, मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और लास्ट हम बात कर लेते हैं किडनी की। तो किडनी के अंदर क्या करते हैं बारबिट्यूरेट्स, बारबिट्यूरेट्स जो हैं वो रिड्यूस करते हैं किडनी के ब्लड फ्लो को, एक्चुअली मुझे कहना चाहिए यूरिन फ्लो को, डिक्रीज करते हैं यूरिन फ्लो को।
ठीक है। और इसके साथ ही अब यूरिन फ्लो डिक्रीज हो रहा है, तो यूरिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है आपकी बॉडी में वापस से एब्जॉर्ब होगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इंक्रीज हुआ क्या एडीएच लेवल्स, ठीक। एडीएच लेवल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा यूरिन जो है आपकी बॉडी में और जो उसमें से वाटर होगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी फार्मेकोकाइनेटिक्स की। फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मेनली चार चीजें पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन, फिर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो क्योंकि दीज ड्रग्स आर हाईली लिपिड सॉल्युबल, अब क्योंकि लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं तो इनका तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो अच्छा ही होगा। तो सबसे पहली बात तो ये क्या होती हैं, दीज आर वेल एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम जीआईटी, जीआईटी में काफी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। और क्योंकि लिपिड सॉल्युबल है तो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी। बॉडी में काफी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। अब क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लिपिड सॉल्युबल है तो क्या होगा, जो जितनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होगी वो उतनी जल्दी बॉडी में एंटर ले लेगी, जैसे कि थायोपेंटोन सोडियम, वो जल्दी से स्टमक सर्कुलेशन में आ सकता है, जल्दी सीएनएस आपका जो ट्रिपल बी उसको क्रॉस कर सकता है। जबकि अगर आप फिनोबार्बिटोन की बात करें या पेंटोबार्बिटोन की बात करें तो वो टाइम लेगा, क्यों लेगा, क्योंकि वो उतना ज्यादा लिपिड सॉल्युबल नहीं है, ठीक। अब अगर मैं बात करूं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की, तो अलग अलग रेशियो पर होता है। जैसे कि अगर आप बात करोगे थायोपेंटोन सोडियम की, तो उसकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है 75%। अगर मैं बात कर लूँ पेंटोबार्बिटोन की, तो पेंटोबार्बिटोन की अलग होती है, उसकी कितनी होती है 35% होती है, ठीक। तो इस हिसाब से ड्रग पे डिपेंड करता है कि उसे कितना है जो परसेंटेज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ सीक्रेशन हो सकता है, तो प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती हैं ये ड्रग्स, प्लासेंटल बैरियर को, तो यहां पर लिख लीजिएगा कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर। और क्योंकि प्लासेंटल बैरियर क्रॉस कर रही है, इसके अलावा ये क्या कर सकती है, मिल्क में भी सीक्रेट हो सकती है। क्यों, अब ये मिल्क में सीक्रेट होगी, इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है तो उसके फीटस पे या उसके बेबी पर भी इसका असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। तो आमतौर पर इनका मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा, कम ही होता है वैसे तो, जैसे कि आमतौर पर शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स का कहाँ होगा, लिवर में होगा। किसके थ्रू होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू, या इसके अलावा डीअल्काइलेशन, डी अल्काइलेशन और या फिर कॉन्जुगेशन, इन सब के मदद से क्या हो सकता है, इन सब के मदद से हो सकता है मेटाबॉलिज्म इन ड्रग्स का। और लास्ट अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन की, तो जो लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स होते हैं, समझिएगा हमने यहां बात की थी कि ये जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है ये आमतौर पर शॉर्ट एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स का हो रहा है, ठीक। तो जो लॉन्ग एक्टिंग हुए उनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, तो जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं ना, लॉन्ग एक्टिंग बारबिट्यूरेट्स, वो अनचेंज्ड ही बॉडी से रिलीज हो जाते हैं, अनचेंज्ड कहाँ, अनचेंज्ड इन यूरिन, ठीक। और बाकी जो दूसरे वाले जाएंगे शॉर्ट एक्टिंग, वो चेंज होकर के फिर बॉडी से रिलीज होंगे। अब नेक्स्ट जो कहानी है वो है इसके एडवर्स इफेक्ट्स की। कोई भी ड्रग होगी भाई, उसके अपने अपने कुछ साइड इफेक्ट है, वो इफेक्ट्स होंगे। तो ऐसे ही हम बारबिट्यूरेट्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो बारबिट्यूरेट्स में क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर मैं इसके साइड इफेक्ट्स की बात करूं, तो सबसे मेन चीज, क्योंकि ये नींद ला रहे हैं, तो हैंगओवर बहुत कॉमन है इनके साथ में। अगर इसके अलावा मैं दूसरी किसी चीज की बात करूं, तो क्या होता है कि ये आपके बॉडी में ना क्या चीज डेवलप करते हैं, टॉलरेंस डेवलप करते हैं।
और टॉलरेंस मतलब क्या, कि अगर ऐसी कोई कंडीशन हो, जिन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है उनके लिए नहीं, जो अभी जिन लोगों को लग रहा है कि टॉलरेंस हमें नहीं पता, तो ऐसा होता है ना अक्सर कि आज आपने कोई मेडिसिन खाना शुरू किया, अभी आप एक गोली खा रहे हैं ठीक है नींद के लिए, तो 1 महीने बाद ऐसा होता है कि इस एक गोली से आपको कोई असर नहीं पड़ता, फिर आपको 2 गोलियां लेनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने टॉलरेंस डेवलप कर लिया है ना। तो टॉलरेंस मतलब क्या होता है, रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल डोज टू प्रोड्यूस अ सिमिलर एक्शन, सेम एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एडिशनल डोज लेना पड़े, तो इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं टॉलरेंस। तो टॉलरेंस डेवलप हो सकता है इन ड्रग्स का, और या फिर डिपेंडेंस भी, मतलब इनके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं ठीक। ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है इन ड्रग्स का। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा अब क्योंकि कुछ ड्रग्स, वो तो सभी ड्रग्स के साथ होता है, किसी ना किसी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हर ड्रग का है, किसी किसी पेशेंट को सूट नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, उनमें रिएक्शन शो होंगी, कौन सी वाली, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ठीक, जैसे कि रैशेज हो गए, स्वेलिंग ऑफ लिप्स, या एडीमा, एंजियोडीमा और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। फिर इसके बाद में क्या है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अब डिपेंडेंस हुआ पेशेंट को, टॉलरेंस डेवलप हुआ, तो उसने वो मेडिसिन लेना छोड़ दिया, तो उस वजह से जैसे उसने मेडिसिन लेना छोड़ा तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, अगर वो बंद कर रहे हैं मेडिसिन तो। अब विड्रॉल सिम्टम्स में क्या होगा, ओवर एक्साइटमेंट, हेलुसिनेशन, डिलीरियम, कन्वर्जन, इस टाइप की चीजें हो सकती हैं ठीक। तो ये आपके एडवर्स इफेक्ट्स में आ गए। अब अगर मैं बात करूं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, कहां कहां किस किस केस में आपको ये ड्रग्स नहीं लेनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज तो लिवर किडनी डिजीज में नहीं देना चाहिए, लिवर एंड किडनी डिजीज ठीक है। दूसरी चीज जो ये बार्बिट्यूरेट्स होते हैं, ये आपको पोरफायरिया में नहीं देना है, पोरफायरिया कंडीशन होती है, इस कंडीशन में आपको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तो बड़ा हुआ है पोरफायरिन का सिंथेसिस, और जो आपके बार्बिट्यूरेट्स होते हैं वो और ज्यादा पोरफायरिन के सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए हमें इस कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए बार्बिट्यूरेट्स का यूज। इसके अलावा एम्फाइजमा में भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वैसे ही तो ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कराते हैं, और ऊपर से यहाँ पर आपकी कंडीशन वर्स्ट हो सकती है। और स्लीप एपनिया में भी सेम चीज अप्लाई होती है, आपको ये सब ड्रग्स इन कंडीशंस में नहीं लेनी है ठीक। तो ये हो गया आपके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब हमें सिर्फ पढ़ना है इंटरेक्शन और यूजेस। हाँ जी, तो इंटरेक्शंस में क्या है कि कौन सी ड्रग इंटरेक्ट करती है बार्बिट्यूरेट से और क्या रिजल्ट मिलता है। तो बार्बिट्यूरेट्स को अगर आप वारफेरिन, स्टेरॉइड्स, तो टॉलबुटामाइड है, ग्रिसियोफिलविन, इन कुछ ड्रग्स के साथ दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ये जो ड्रग्स है इनकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि बार्बिट्यूरेट्स क्या करते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म को इंड्यूस कर देते हैं, जिस वजह से ये जो ड्रग्स हैं आपकी बॉडी में से जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, और उस वजह से वो अपनी एक्टिविटी ढंग से कर ही नहीं पाती। नेक्स्ट है आपका बार्बिट्यूरेट्स, अगर आप अल्कोहल या कोई भी सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग के साथ दोगे तो क्या होगा, एडिटिव इफेक्ट मिलेगा है ना, सीएनएस और ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा। फिनोबार्बिटोन को अगर आप ग्रीसोफलविन के साथ में देते हैं, ग्रीसोफलविन एक एंटी फंगल ड्रग है, तो क्या होगा, ये जो ग्रीसोफलविन है इसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट आती है चीज यूजेस। आमतौर पे अब इन जो बार्बिट्यूरेट्स है इनका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन इससे ज्यादा अच्छी क्लास है यूज करने के हिसाब से, तो अब तो इनका इतना इस्तेमाल नहीं होता है। पर आप कुछ ड्रग्स हैं जो अभी भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फिनोबार्बिटोन, फिनोबार्बिटोन एक एंटी एपिलेप्टिक की तरह आज भी इस्तेमाल होता है, और जो दूसरा है थायोबेंटल सोडियम, ये एज जनरल एनेस्थेटिक यूज होता है। तो ये था आज का मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्योंकि इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम बात करेंगे बेंजोडायजेपिन्स के बारे में, तो जैसे कि मैंने कोशिश की है कि बार्बिट्यूरेट्स का भी सब कुछ एक साथ कंप्लीट करा दूं है ना, मेडिकैम भी और उसका फार्माकोलॉजी भी, वैसे मैं बेंजोडायजेपिन का करूंगी। यहां पर एसएआर मिसिंग था, एग्जैक्टली वो मिसिंग नहीं था,
क्योंकि एसएआर का वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगी अगले वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगी बेंजोडाइजेपिन की पूरी डिटेल्स, उनकी कोलॉजी भी और उनकी केमिस्ट्री भी। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस हो गया है या मुझे अगली वीडियो में कोई स्पेसिफिक चीज और ऐड करनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर करिए प्लीज लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।